नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए अतिथि के साथ। और जब मित्रों आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए कोई अतिथि, संत, महापुरुष हमारे बीच आते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है, क्योंकि अध्यात्म हमारे जीवन का अंग है और साथ ही हमें प्रकाश की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के भी हमारे अतिथि आध्यात्म जगत से पधारे हुए हैं। आप हैं महामंडलेश्वर श्री 108 श्री स्वामी मार्तंड पुरी जी, जो कि 1968 से मीडिया जगत में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के आप संपादक रहे हैं। आस्था टीवी चैनल के भी फाउंडर्स में से आप एक रहे हैं। दिशा जो टीवी चैनल है उसके भी आप सीईओ रह चुके हैं। वर्तमान समय शोभित यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं और पिछले 3 वर्षों से संन्यास में आप दीक्षित हुए हैं। तो आइए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आध्यात्म की सरिता में स्नान करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। स्वामी जी, पहला प्रश्न तो मेरे मन में यही उठ रहा है कि पूरा ही जीवन मुझे लगता है आपने मीडिया से जुड़ करके बिताया है, और वो एक ऐसा जीवन है जो बहुत ही भाग दौड़ भरा हुआ, खोज करता हुआ, नई नई चीजों को ढूंढना, निकालना, और साथ ही एक चकाचौंध से भरी हुई जिंदगी भी आप कह सकते हैं। लेकिन एकाएक वहां से निकल करके आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का जो मन बना वो क्यों बना? देखिए, पत्रकारिता भी मूल रूप से धर्म ही है जी। मानव के उन्नयन का, मानव के आत्मोन्नयन का मार्ग है, आदमियत को ऊपर उठाने का रास्ता है, धर्म भी यही है। पत्रकारिता मेरी वृत्ति थी और आध्यात्म प्रवृत्ति रही मूल रूप में। तो मुझे सच पूछिए तो पत्रकारिता और आध्यात्म में मुझे कोई अंतर नहीं लगता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, माध्यम हैं। और संन्यास के बाद भी पत्रकारिता से मैं, चूंकि मेरे रक्त में है, मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मुझसे तो अगर कहने की अनुमति प्राप्त हो तो मैं तो ये कहूँगा कि हर पत्रकार भी वस्तुतः एक सन्यासी ही होता। सन्यास है क्या जी? जब आप दूसरे के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं, जब तक इस संसार की आवश्यकता आपको है आप गृहस्थ हैं। जिस क्षण संसार को आपकी आवश्यकता महसूस होने लगे आप सन्यासी हो गए। तो पत्रकारिता भी सन्यास ही है। तो मैं धर्म और पत्रकारिता को अलग अलग नहीं मानता। पत्रकारिता को मैं एक मानवोन्नयन के, मानव के उन्नयन के, धर्म के रूप में स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर है। एक ही है। तो उस जीवन में और अब के जीवन में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? वो भी एक जीवन था आपका और देखिए इधर जीवन है। इधर मर्यादा आई जी, संन्यास की मर्यादाएं हैं। और महानिर्वाणी अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद का दायित्व दिया तो वो मर्यादाएं हैं जी। तो थोड़ी सी मर्यादा बांधती है, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव की अनुमति से, और मैं संन्यास की भी नई परिभाषा देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपने गुरुदेव से ये निवेदन किया था कि मैं हरिद्वार नहीं रहूंगा, मैं कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा जी, और मेरा काम तो हर द्वार पर हरि को खड़ा करना है। बहुत तो हरिद्वार क्यों रहूं मैं? बहुत सुंदर। तो मैंने बहुत परिवर्तन लिया और महामंडलेश्वर के रूप में भी जैसे ऐसे बिना आसन के मुझे बैठने की अनुमति नहीं है जी। लेकिन मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से बहुत मामले में अनुमति ले ली थी। मैंने कहा था मैं कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा, मैं कोई हरिद्वार जैसा कुछ नहीं करूंगा, मैं जो करता रहा हूं, जैसे करता रहा हूं, उसे ही करता रहूंगा। धर्म के क्षेत्र में जो संभव होगा जी वो कर रहा हूं। और प्रभु ने एक संयोग दिया कि मुझे शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में, सहारनपुर में है जी जी जी, वहाँ आप पढ़ा भी रहे हैं, वहाँ आध्यात्मिक केंद्र है जी, जिसका मैं प्रधान हूँ। तो 6,500 बच्चे हमारे साथ हैं जी, और मैंने यूनिवर्सिटी को ही अपना आश्रम मान लिया। बहुत सुंदर। और आज के समय में जो एक सबसे बड़ा संकट मैं देखता हूँ कि माता पिता के पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, संस्कार नहीं है, परंपरा नहीं है। माता पिता एटीएम मशीन की तरह हैं, बच्चे कार्ड डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। तो वह कमी पूरा करना संस्थाओं का दायित्व है। आप भी यही कर रहे हैं जी, आप इस स्तर पर यही कर रहे हैं। आपका आपका भी जो विश्वविद्यालय है वो प्रैक्टिकली यही कर रहा है। तो इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के मन में उठने वाले प्रश्न,
जीवन से जुड़े प्रश्न, और इन पर मैं बराबर बात करता हूँ। और जो बात वह क्लास से क्लास में नहीं पूछ सकते, माता पिता से नहीं बात कर सकते, वो मुझसे करते। रात में 2 बजे भी कोई फोन करता है जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी सेवक हूँ। और अभी भारत सरकार ने मुझे योग और नेचुरोपैथी पे यूनिवर्सिटी चलाने की अनुमति दी है, उसमें भी सेवक हूँ जी। तो और पत्रकारिता में मैं रहूंगा, जब चैनलों में जाता रहता हूँ, चैनलों से लोग राय लेते रहते हैं जी, जी, जी। तो मैं दोनों को, क्योंकि मैं संचार माध्यमों को बहुत आवश्यक मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, एक ये बात बुरी भी लग सकती है, कि आज जीवन में जो कुछ भी उत्तेजना है या नकारात्मकता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये संचार माध्यम है। क्योंकि जीवन का शुक्ल पक्ष इनसे तिरोहित है। बिल्कुल, इस मामले में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही आना चाहूंगा स्वामी जी फिर मैं, क्योंकि आप लंबे समय से मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप उसकी बारीकियों से अवगत हैं, उसके परिवर्तन के दौर को आपने देखा है। आज मीडिया जहां पहुंच गई है, उसे भी आप देख रहे हैं। आज की मीडिया में नकारात्मक खबरें बहुत ज्यादा हैं, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, या क्या परिवर्तन लाया जाए मीडिया के क्षेत्र में भी, मीडिया के जो मालिक हैं या उसमें जो कार्य कर रहे हैं पत्रकार हैं, ताकि एक सकारात्मक परिवर्तन पूरे समाज में आए। जो मुश्किल है, देखिए, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, प्रभु ने कराई जी, तो ऐसे गुरुओं के साथ काम करने का अवसर मिला जो आजादी की लड़ाई के दौरान काम कर चुके थे जी। तो जब हम लोग इस क्षेत्र में आए थे, तो बलात्कार शब्द लिख नहीं सकते थे, सहवास शब्द लिख नहीं सकते थे, बिना श्री और दो संप्रदायों में संघर्ष लिख नहीं सकते थे जी। ये मर्यादा थी भाषा की जी जी जी। आज यह मर्यादा समाप्त हो रही, ये अलिखित मर्यादा थी जिसका का सब पालन करते थे, कोई लिखित पर ये नहीं था कि इसको पालन करना है। हम लोगों को कह दिया जाता था कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ये शब्द ही नहीं आता था यह भाषा में कभी। आज 2 साल के बच्चे का जो आता है, ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के समय में ये नहीं था। बिल्कुल, धीरे धीरे, लेकिन इसके पीछे मूल कारण जो मैं समझता हूँ, कि आजादी के पहले और आजादी के 20-25-30 साल जो इस देश का दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, त्याग के साथ विकास, कि क्या आप दे सकते हैं जी। आज हो गया कि क्या आप ले सकते हैं, ग्रहण के साथ विकास। तो हर आदमी लेने में लग गया है। और एक जो सबसे खराब बात हुई है, कि आज हमारी सारी चेतना पेट और शरीर के भूख तक सीमित रह गई है, मन मस्तिष्क आत्मा के शांति की बात या उसकी भूख की शांति की बात नहीं होती। यह सबसे बड़ा संकट है। संचार माध्यमों में यह आएगा, आना होगा, और मुझे लगता है धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं भी जब दिशा चैनल में था तो शुभ समाचार मैंने शुरू किया जी जी। आज करीब करीब कई चैनलों में शुभ समाचार, अच्छे समाचार आने लगे हैं। देखिए, मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं एक बात बराबर कहता हूँ कि बेईमान से बेईमान आदमी को ईमानदार नौकर की जरूरत होती है। इसलिए ईमानदारी मूल है, शाश्वत मूल के रूप में प्रतिष्ठित होगी। और आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। क्योंकि समाज का दर्पण है साहित्य या पत्रकारिता जी, और पत्रकारिता भी दर्पण है, दोनों मिलके हैं जी। तो मुझे लगता है परिवर्तन आएगा, मैं निराश नहीं हूं। बिल्कुल, मतलब सभी को आशा रखनी होगी, और साथ ही साथ प्रेरित भी उनको जरूर किया ही जाना चाहिए, और वो अच्छे दिन तो जरूर आएंगे ही आएंगे। एक विशेष चीज आपने कही थी कि माता पिता के पास अब वक्त नहीं रहता है बच्चों के लिए, तो उन्हें भी शिक्षित के साथ साथ दीक्षित करने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि आज की जो पीढ़ी है, जिस ढंग से संचार माध्यमों की भी हमारी बात हो रही है, तो जो चीजें परोसी जा रही हैं, या साथ ही एक जो माहौल है सामाजिक, उसके कारण एक आध्यात्म की ओर जो रुझान है आज की पीढ़ी की, वो कम हो गई है। कैसे ये रुझान बढ़े? देखिए, रुझान बढ़ेगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इस 6,500 बच्चे हमारे पास हैं जी यूनिवर्सिटी में, और वो भी जब जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करते हैं, तो उसका उत्तर, देखिए, जीवन की जो मूल समस्याएं हैं, उनका उत्तर आध्यात्म से ही मिलना है, भौतिकता से नहीं मिलना है जी। भौतिकता से केवल आपको साधन मिलने हैं, भौतिकता से मार्ग नहीं मिलना है जीवन का। जीवन का मार्ग तो आध्यात्म से ही मिलना है, और बिना आध्यात्मिक आधार के आज तक कोई सफलता किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकती।
लोकतंत्र भी आध्यात्मिक व्यवस्था है जी। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी देखिए, उनके जीवन में अध्यात्म है, तो बिना अध्यात्म के नहीं होगा। और मुझे, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव इधर आ रहा है कि उनके मन में बहुत से प्रश्न है अध्यात्म से जुड़े हुए। थोड़े प्रयास से, देखिए भारत करीब करीब सबसे युवा देश है आज जी, जी। लगभग 50% लोग 19 से लेकर के 59 के बीच के हैं जी। और 10-15 साल में दुनिया का सबसे युवा देश होगा। तो युवाओं को अध्यात्म के प्रति रुचि है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो जीवन के प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। सिर्फ मुश्किल ये हो गई है कि हमारा बहुत कुछ धर्म साहित्य पैसिव हो गया, वन वे हो गया है, उत्तर उनको देने वाले नहीं है जी। इस प्रकार की व्यवस्था से निश्चित ही अध्यात्म की ओर आएंगे, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके भीतर आत्मा न हो, और कभी ना कभी उसका 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 चित्त या मन या आत्मा कभी उससे बात न करती हो, झकझोरती न हो, ऐसा संभव ही नहीं है जी। इसलिए आत्मा के बिना तो मनुष्य ही नहीं होगा। इसलिए युवा पीढ़ी उसके लिए आएगी और आ रही है, या यहाँ बारंबार आते रहे हैं। तो यहाँ विशेष ऐसा क्या है, और क्या ये केंद्र बनकर सारे संसार के लोगों के लिए एक परिवर्तन का आधार या माध्यम बन सकता है? कर रहा है। आप क्या क्यों लगा रहे हैं जी? जितनी बड़ी संख्या में, देखिए पूरे विश्व में जो आपकी चेतना है, जिस चेतना का प्रसार है, और जिस प्रकार से लोग निष्ठा से जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, ठीक है मेरे जैसे लोग उस रूप में नहीं शामिल होते जी, लेकिन हम इस वेश में भी आपके साथ हैं और मन से आपके साथ हैं। तो मैं तो इसे विश्व का एक आध्यात्मिक केंद्र मानकर चलता हूं। और देखिए महाभारत की एक छोटी सी कथा है, समय नहीं आपको बताने का जी। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि कलयुग में कुछ ना कुछ ऐसा शेष रहेगा जहां मूल्य और आदर्श टिकेंगे और उसी के आधार पर जीवन चलेगा। तो मैं इस केंद्र को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को, उसी रूप में देखता हूं कि एक प्रकाश स्तंभ है जहां से प्रकाश जा रहा है, जाएगा। मैं बिना अतिशयोक्ति के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं महसूस करता हूं इसलिए कह रहा हूं जी। यहाँ की जो सारी व्यवस्था है, यहाँ का जो सारा चिंतन है, उसमें आपका राजयोग हो, चाहे आपका ध्यान की प्रक्रिया हो, या अभी आप संचार माध्यम में जितना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं जी, ऐसा कम काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह अपने आप में केंद्र है। और मैंने सोच समझ के इसको आध्यात्मिक राजधानी कहा, विश्व का कहा, भारत का नहीं कहा जी, जी, जी। विश्व का कहा है और विश्व का यह प्रतिलक्षित होता है जी। जी जी, आपकी अनुभूतियां क्या रही हैं? आप अनेक बार आ चुके हैं, बारंबार आप आते हैं, तो कौन सी ऐसी अनुभूति है जो बारंबार आपको खींचती रहती है? देखिए एक बात बताऊंगा आपको जी, हर जगह पृथ्वी बोलती है जी, पृथ्वी आपसे बात करती है। इस संसार में कुछ भी निर्जीव नहीं है, और जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में जैसा आचरण होगा, जैसा विचार होगा, उसको ऑरा कह लीजिए चाहे बाकी कह लीजिए, तो यहां प्रवेश करते ही आपके भीतर एक नवीन शुचिता का, पवित्रता का एक संचार होता है, मन के भीतर जगता है जी। और जब आप चलते फिरते लोगों को देखते हैं श्वेत वस्त्र में, तो यह एक हमें, जैसे उनके चेहरे को जब देखते हैं, उनके चेहरे पे तनाव नहीं है। आज अगर आप समाज में देखिए, तो कहीं खड़े हो जाइए, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कहीं खड़े हो जाइए, हर व्यक्ति ऐसा लगे जैसे आग लगी हुई हो, भागा जा रहा है। मानव निर्माण की बात बहुत ही शिद्दत से हर एक महसूस करता है, खास करके जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और आप भी इस बात को कह रहे हैं कि आदर्श की आवश्यकता है, जिसको देख करके युवा पीढ़ी हो या बच्चे हो, वो सीखेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं, वो मानव निर्माण में कितना योगदान दे रहा है, दे सकता है? और साथ ही साथ एक विशेष चीज और मैं कहूंगा, इसकी हर एक व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है? देखिए जिसके भीतर भी प्राण है, मनुष्य है, उसको इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य होने के लिए जो शर्त है, जो आवश्यकताएं हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जी। मनुष्य है क्या, धर्म क्या है? देखिए आहार, निद्रा, भय और काम
सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन वही जीव जब दूसरे की आहार की चिंता करता है तो मनुष्य कहलाता है जी, जी। दूसरे को भयमुक्त करता है तो मनुष्य कहलाता है। काम को सबलाइम स्टेज या रेशनलाइज करता है जो आप करते हैं मनुष्य कहलाता है, और भयमुक्त करता है दूसरे की रक्षा करता है, ये जो चार हैं। और धर्म की मैं केवल एक परिभाषा मानता हूं कि जब तक आप अपने ही दुख में दुखी अपने ही सुख में सुखी आप पशु हैं। जिस क्षण आप दूसरे के दुख में दुखी दूसरे के सुख में सुखी होने लगे आप मनुष्य हो गए जी। यही धर्म है और ईश्वर क्या है, इसी का मैनिफेस्टेशन है कि भाई हम एक परिवार की चिंता एक समाज की एक आश्रम की चिंता करते हैं, पूरे विश्व की करता है शिव बाबा, पूरे विश्व की करते हैं जी। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति जो यहाँ से जुड़ा हुआ है साक्षात शिव का अंश है उसमें, और शिव का अर्थ ही कल्याण है। और जिस क्षण आपके भीतर शिवत्व की प्रतिष्ठा हो गई, और संपूर्ण सनातन संस्कृति भी शिवत्व की प्रतिष्ठा का ही संकल्प है, शिव माने कल्याण है जी, जी। तो यहाँ जब जिस क्षण आप अपने से ऊपर उठ गए आप मनुष्य हो गए, और यहाँ की बेसिक शिक्षा है जी। और ध्यान यहाँ के ध्यान की पद्धति यहाँ की अपनी अद्भुत है, क्योंकि ध्यान तो ध्यान ही तो है जो पहले आपके आपके मन को आपका मित्र बनाता है जी। फिर जो आपका परम मित्र है परम पिता उससे जोड़ता है, तो खत्म हो गई बात। यही तो चाहिए आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि मैं अध्यात्म की ओर क्यों बढ़ूं, मैं ध्यान साधना क्यों करूं। शायद वो सोचता है कि ये 60 साल के बाद करने वाली चीजें हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या ये 60 साल के बाद किया जाना चाहिए या बचपन से युवा काल में किया जाए? केवल एक उत्तर दूंगा जी। और विवेकानंद जी के शब्दों में दूंगा जी। विवेकानंद जी ने कहा था कि जब मैं किसी बूढ़े को मंदिर जाते देखता हूं तो मैं रोता हूं, इसको मंदिर की अब भी आवश्यकता है। युवा से ही आप ऐसा क्यों ना कर लें जी। कि वृद्धावस्था की जरूरत ही नहीं हो। जैसे आपके लिए भोजन आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, ऐसे ये भी आवश्यक है, क्योंकि आपको मनुष्य के रूप में बने रहना है। और एक बात और बता दूं जी। कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि किसी भी क्षेत्र में आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, राजनीतिक कुछ भी हो, उनके मूल में अध्यात्म और ध्यान और ये प्रवृत्ति अत्यावश्यक है। और कोई व्यक्ति संसार में जितने बड़े लोग सफल हुए हैं जी, सबके पीछे ही रहा। और आजकल तो संस्थाओं में और सब जगह भी यही इनकी शिक्षा दी जा रही है, हालांकि वो अलग ढंग से दी जा रही है, लेकिन इसके मूल में अध्यात्म को केंद्रित करके दिया जाना चाहिए। मतलब यदि हमें सफल होना है किसी भी क्षेत्र में है तो हमें अध्यात्म का आश्रय लेना ही होगा। अनिवार्य है, अनिवार्य लेना नहीं, अनिवार्य है। देख, बिना अध्यात्म के मनुष्य हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही सुंदर और गहन बातें हमारे दर्शकों के सम्मुख रखी हैं जो चिंतनीय हैं। आप बारंबार स्टूडियो में हमारे साथ आए और जो अध्यात्म का सुंदर प्रकाश आपने प्राप्त किया है हमारे दर्शकों को भी देते रहे, ऐसा हम निवेदन करेंगे। और आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, आप थे महामंडलेश्वर श्री 108 श्री स्वामी मार्तंड पुरी जी, जिन्होंने अध्यात्म की बहुत ही सुंदर और गहन बातें रखी हैं। और साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लगातार आपका आना होता रहता है, तो यहाँ की भी जो सुंदर अनुभूतियां हैं ज्ञान और योग की और अध्यात्म की जो आवश्यकता है उसे आपने हम सबके सम्मुख रखा है। सचमुच मित्रों, चाहना क्या है हमें अपने जीवन में? हम शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने आसपास के लोगों में खुशहाली चाहते हैं। और इसका बीज जो है वो सचमुच अध्यात्म है, जिसे कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं या जो हमारे जीवन से छूटता चल रहा है। क्यों ना हम पुनः उस अध्यात्म की ओर बढ़ें, तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलने लगेंगे, मृत्यु से अमरता की ओर चलने लगेंगे और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, समाज श्रेष्ठ बन जाएगा। इस पर बहुत गहनता से विचार कीजिएगा मित्रों, और साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।